हेलो मेरे दोस्त, ये किसी आप सब नमस्ते भाई थाउन और समस्ते। भाई लोग क्या चल रहा है? सब बढ़िया, सब राज्य खुश है। सो बेसिकली आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपने फ्री द फायर के अंदर आने वाला नेक्स्ट डायमंड वाले बंडल के बारे बात में। नो बकवास, एकदम कंफर्म वाला डायमंड वाले आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। आप लोगों को इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस वाले वीडियो को देखने के बाद। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं फ्री फायर के अंदर आने वाले कुछ न्यू इंक्यूबेटर्स के बारे में, कि टॉप क्रिमिनल इंक्यूबेटर जो आप लोगों को वापस देखने के लिए मिलेगा उसके बारे में भी थोड़े बहुत यहाँ पे लीक्स मिले हैं। जो न्यू क्रिमिनल बंडल आड़ होकर आएगा पूरा एक क्रिमिनल इंक्यूबेटर के साथ, वो एक बंडल भी यहाँ पे लीक होकर आ चुका है। सभी चीजों के बारे में आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर से पता चल रहा है, तो यार इस वाले वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए फिर बिना किसी देरी किए, बिना किसी वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो एंड शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। दोस्तों इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग दर्शन लेने वाले हैं फ्री फायर में आने वाले दो न्यू इवो गन स्किन्स के। एक का नाम होने का इवो M887, दूसरे का नाम होने का इवो N94। दोनों का ही लुक काफी ज्यादा जबरदस्त यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इवो M887 का स्किन मौजूद है, क्या ही इफेक्ट आ रहा है इसका। और राइट साइड में थोड़ा दिखने वाला इवो N94 भी यहाँ पे मौजूद है। मेरे ख्याल से दोनों ही स्किन्स आप लोगों को लगभग सेम टाइम फ्रेम में गेम में देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका कलर ही कुछ ऐसा है। अगर इन दोनों में से किसी को भी आगे पीछे आने को हुआ तो सबसे पहले गेम के अंदर इवो M887 का स्किन ही आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इवो M887 का स्किन 5th एनिवर्सरी थीम का होने वाला है, जो कि आप लोगों को OB35 अपडेट के बाद ही देखने के लिए मिल जाएगा। मैं सोचता बड़ा सही हूँ, ऐसे ना सोच सोच के मैं फ्री फायर की पूरी भविष्य बता सकता हूँ। आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों का ही भविष्य पढ़ सकता हूँ। पता है बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ मैं, पर कभी घमंड नहीं किया। खैर ये सब तो मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि आप लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, मुझे पता है, क्योंकि खुद की तारीफ कौन ही करता है ना। मुझे अच्छा नहीं लगता है खुद की तारीफ करना, पर आप मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हो। मैं आप लोगों का मन पढ़ लिया और आप सभी से ये भी कह दिया। चलो दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और अभी के लिए हम लोग बात करने वाले फ्री फायर में आने वाले दो ब्रांड न्यू इंक्यूबेटर्स के बारे में। उनमें से सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं एक वेपन का इंक्यूबेटर के बारे में, जिसे देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा हंसी आई थी। वो किस लिए, आप लोग खुद देखिए स्क्रीन के ऊपर किस चीज का इंक्यूबेटर आने वाला है। आप लोग गेस नहीं कर पा रहे हो तो सबसे पहले ना मैं आप सभी से उन सारे इंक्यूबेटर गन स्किन के फोटो दिखा देता हूं। अब तो आप लोग बता ही सकते हो ना कि ये कौन सी गन स्किन है। चल दोस्तों, जिन्होंने भी यहाँ पे AWM गेस किया है आप लोग बिल्कुल सही हो, पर मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि गरेना ने क्या सोच के AWM का इंक्यूबेटर को डिजाइन किया होगा। कौन लेगा AWM का इंक्यूबेटर को? अगर आप लोगों को इंक्यूबेटर के सारे गन स्किन पसंद आ रहे हैं या फिर आप लोग ऐसे सोच रहे हो भी कि आप लोगों को AWM का इंक्यूबेटर लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो। जिन जिन को नहीं लेना है आप लोग भी कमेंट करके बता दो। देखते हैं यार फ्री फायर में कितने लोग अभी AWM यूज कर रहे हैं, इस चीज से तो बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा। तो आप लोग अगर AWM को यूज करते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो आप सभी से यही कहा था ना कि मैं आप लोगों को अपकमिंग दो फ्रेश इंक्यूबेटर दिखाऊंगा। एक इंक्यूबेटर तो AWM का हो गया, दूसरा इंक्यूबेटर होने वाले बंडल्स के ऊपर। ये रहा आप सभी के स्क्रीन के सामने। सामने से देखने में तो यार अलीबाबा के 40 चोर जैसे ये दिख रहे हैं। राज भाई ये तो चार है। ठीक है छोटे, अब ये तो कह ही सकते हैं ना, अलीबाबा और चार चोर। शाबाश। अच्छा हुआ मैंने आप सभी से दो दो न्यू इंक्यूबेटर तो दिखा दिया, पर अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्री फायर का सबसे ज्यादा रेयरेस्ट इंक्यूबेटर के बारे में, जो कि आप लोगों को पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्रिमिनल इंक्यूबेटर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्रिमिनल इंक्यूबेटर को लेकर के उड़ती उड़ती ये खबर निकल के आ रहा है हमारे सामने, जो रेड क्रिमिनल था या फिर जो टॉप क्रिमिनल था उसका लुक यहाँ पे गरेना चेंज कर देने वाला है। इस वाले फोटो को गौर से देखिएगा, क्योंकि इसी फोटो के अंदर ही लेफ्ट साइड में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है रेड क्रिमिनल का पहले वाला लुक, और राइट साइड में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है उसी रेड क्रिमिनल का अब वाला लुक, जो आप लोगों को तब देखने के लिए मिलेगा जब गेम के अंदर क्रिमिनल का पूरा इंक्यूबेटर रिटर्न आएगा। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि क्रिमिनल के जो चार बंडल्स थे वो चारों ही बंडल्स आप लोगों को गेम में रिटर्न में आ जाए एंड ये वाला बंडल पांचवा बंडल हो। ठीक है, बिल्कुल वैसा सा सिस्टम है जैसे आप लोगों को देखने के लिए मिला था पोकर MP40 के अंदर। पोकर MP40 में भी चार गन स्किन आते थे, फिर अपडेट होने के बाद उसमें पांच गन स्किन आड़ करके गरेना ने रिटर्न में ला दिया उसको। तो क्रिमिनल वाले इंक्यूबेटर के साथ भी
करने वाले बिल्कुल सेम चीज करें, क्योंकि क्रिमिनल के अंदर भी चार बंडल आप लोगों को देखने के लिए मिलते थे और ये पांचवा बंडल हो सकता है यहाँ पे। ये पर्टिकुलर बंडल आप सभी को कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि इसे परचेज भी आप लोग करने वाले हो। कोई ये मत बताना कि भाई हम क्रिमिनल इंक्यूबेटर को परचेज नहीं करेंगे, हमने देख लिया था फ्री फायर में ग्रीन क्रिमिनल रिटर्न आया था उस टाइम पे कितने कितने लोगों ने ग्रीन क्रिमिनल को निकाला था, अब भी आप लोगों के आईडी के अंदर ग्रीन क्रिमिनल पड़े होंगे। बात करते हैं क्रिमिनल इंक्यूबेटर नहीं लेने की। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वैसे ज्यादा स्ट्रेस मतलब, क्योंकि इस बार क्रिमिनल वापस आता है तो मैं भी क्रिमिनल इंक्यूबेटर में से एक दो बंडल को तो जरूर से जरूर निकालूंगा, क्योंकि इतने टाइम से जो रेयर रेयर की बात सुनते हुए आ रहे हैं ना, एक बार एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा फ्री फायर में जब भी कोई बड़ा अपडेट आता है गेम का लॉगिन स्क्रीन और लोडिंग स्क्रीन दोनों ही पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। 85 अपडेट आ जाने के बाद गेम के अंदर आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा फ्री फायर 5th एनिवर्सरी का इवेंट। पहले तो बैटलियन स्टाइल का इवेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जिसका अपडेट ऑलरेडी गेम के अंदर आ चुका है, लॉगिन लोडिंग स्क्रीन सब चेंज हो चुका है। बट जब हम लोग उस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं जब फ्री फायर की 5th एनिवर्सरी इवेंट आप लोगों को गेम में दिखाई देगा, ठीक है, तो तब आप लोगों को गेम का लोडिंग स्क्रीन और लॉगिन स्क्रीन पूरी तरीके से यहां पे चेंज हो जाने वाला है। किस टाइप का लॉगिन स्क्रीन आप लोगों को गेम में देखने के लिए मिलेगा यह चीज तो आप लोग अभी स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। इसके आगे एक फोटो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, इस फोटो के अंदर आप लोग देख ही सकते हो कैरेक्टर के हाथ में क्या है गाइस, ये अपना इवो इमेज 87 ही है। और इसलिए मैं बोल रहा था कि इवो इमेज 87 का स्क्रीन आप सभी लोगों को फ्री फायर की 5th एनिवर्सरी के टाइम पे ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये फोटो मैंने आप सभी से पहले ही देख लिया था। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। खैर उम्मीद है जितना भी मैंने आप लोगों को लोडिंग स्क्रीन लॉगिन स्क्रीन अभी तक दिखाया फ्री फायर 5th एनिवर्सरी से रिलेटेड आप सभी लोगों को वो सारी चीजें पसंद आई। चलिए वापस से हम लोग वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग बात करने वाले फ्री फायर के अंदर आने वाला नेक्स्ट डायमंड वाले बंडल के बारे में। कंफर्म बंडल बताएंगे दोस्तों, नो चीटिंग बाजी। बट यार वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले आप लोग भी हमारे साथ चीटिंग मत कीजिए, ऐसे क्यों कर रहे हो। वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया था तो जल्दी से जल्दी वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड वाला बेल आइकन को भी ऑल पे डाल दीजिए। बहुत सारे लोग अभी तक चीटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बात नहीं मानते, वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते, दिल से बुरा लगता है यार। तो जिन्होंने भी ये सारे काम हमारे लिए नहीं किया है जल्दी जल्दी कर दो, क्योंकि आप सभी लोगों को एक सेकंड भी नहीं लगेंगे ये सारा काम करने के लिए और साथ साथ आप लोगों के जेब से भी एक भी रुपया नहीं जा रहा है। तो ये सारे काम आप लोग हमारे लिए कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे डाल देना। अभी हम लोग बात कर लेते हैं फ्री फायर में आने वाला नेक्स्ट डायमंड वाले बंडल के बारे में, जिसका फोटो ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। कैसा लगा गाइस आप लोगों को नेक्स्ट डायमंड वाले बंडल कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बंडल का नाम रखा गया है मैग्मा बायोनिकॉन बंडल, बहुत ही ओपी सा बंडल यार, आप लोगों को ओपी लगना चाहिए, सिर्फ मुझे ओपी लगने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो लूंगा ही इस बंडल को, बट अगर आप लोगों को भी ये बंडल बहुत ज्यादा अच्छा लगे ऑसम लगे तो आप लोग भी इसको परचेज करने का ट्राई करोगे। आप लोगों को ये पर्टिकुलर बंडल कैसा लगा एक बार कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों टुडे अपडेट के बारे में बात करते हैं, तो आज के 12 बजे के बाद आप सभी को गेम के अंदर ये वाला इवेंट वन लास्ट हाइस्ट, ठीक है, ये वाला इवेंट देखने के लिए मिल जाएगा। ये इवेंट हो सकता है रात के 12 बजे के बाद ना आके कल सुबह आप लोगों को गेम में देखने के लिए मिल जाए और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। इवेंट के अंदर से मोनी हाइस्ट थीम के ढेर सारे चीजें जैसे कि बंडल्स हो गए, इमोट्स हो गए, ये सारी चीजें आप लोग इस वाले पर्टिकुलर इवेंट के अंदर से ले सकते हो, वो भी बड़े आराम से। पर दोस्तों डायमंड वाले बंडल के साथ साथ अगर आप लोगों को ये भी जानना है कि नेक्स्ट वेपन वाले में आप सभी लोगों को गेम में कौन सा गन स्किन देखने के लिए मिलने वाला है, तो राइट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए, आप सभी लोग उस वाले वीडियो के ऊपर पहुंच जाओगे जहां पे हम लोगों ने बात किया है खुल के वेपन वाले के बारे में। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मैं बोलता हूं आप सभी से किसी ने कुछ शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से करते रहो, अपने सारे एनिमीज को मारते रहो, बाय।